एक्सेल वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे किस तरीके से एक्सेल में हम किसी दी गई वैल्यू को सर्च करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन पर हमने अपने एक स्टूडेंट का नाम मेंशन किया है, फॉर एग्जांपल राज, एंड द सब्जेक्ट इज मैथ। देखिए, जहाँ मैं जैसे ही किसी स्टूडेंट का नाम चेंज करता हूँ, उसके जो मार्क्स हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल के तौर पर, और सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो यश साइंस 57 आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए यश साइंस 57 मार्क्स है। इस काम को हमने बहुत ही कूल ट्रिक से बनाया है बहुत जल्दी। आपको मैं एग्जांपल शुरुआत से दिखाता हूँ किस तरीके से इसको बनाया गया है। अपनी एक शीट पे चलते हैं जहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस बना रखा है, और लिस्ट सबसे पहले तैयार करते हैं नाम की। जो भी नाम आप यहाँ लेना चाहते हैं उसकी लिस्ट आपको तैयार करनी होगी, या मैनुअल टाइप कर दीजिए आप। ठीक है, लिस्ट की वीडियो आप ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर देख चुके हैं, एक बार हम इसे दोबारा से करते हैं। लिस्ट यहाँ पर, या आप मैनुअल ले लीजिए, अगर लिस्ट में प्रॉब्लम आती है तो मैनुअल कर लेते हैं। हम एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल राज, एंड देन आफ्टर द सब्जेक्ट इज साइंस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे डेटाबेस में मैंने अपना टाइटल जो है लेफ्ट कॉलम का वो नहीं ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना है कि आप अपना लेफ्ट कॉलम टाइटल ऐड नहीं करेंगे। डेटाबेस को सेलेक्ट कीजिए और एक शॉर्टकट की प्रेस कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट F3। जी हाँ, कंट्रोल शिफ्ट F3। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आप स्क्रीन पर, और आप इसे ओके कर देंगे। यहाँ पर बस ध्यान दीजिएगा कि टॉप रो और लेफ्ट कॉलम चेक्ड हैं, ओके। अब मुझे एक इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू इनडायरेक्ट। मैंने एक इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लिया, रेफरेंस टेक्स्ट यहाँ ले लिया, ब्रैकेट क्लोज स्पेस इनडायरेक्ट, और यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट दिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, बूम। जैसे ही आप किसी स्टूडेंट का नाम टाइप करेंगे उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स यहाँ हाईलाइट हो जाएंगे। आप किसी और शीट पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिस्ट बनाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप देखिए, एक और शीट पर मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस बना रखा है प्रोडक्ट्स का, और प्रोडक्ट्स के साथ में कुछ नाम ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, यहाँ पर मैं डेटाबेस को थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपके लिए, या नाम रहने दीजिए, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट की पर्टिकुलर सेल है मंथ के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम दिया, फॉर एग्जांपल पेप्सी, और मंथ यहाँ दिया जनवरी। जनवरी डेटाबेस को हम सेलेक्ट करेंगे विदाउट टाइटल, जहाँ तक आप चाहते हैं। आपने डेटाबेस लिया और डेटाबेस को आपने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा नीचे ज़्यादा जा चुका हूँ, कम कर लेते हैं इसको यहाँ तक, राइट, और कंट्रोल शिफ्ट F3। कंट्रोल शिफ्ट F3 किया मैंने, ओके, और अब मुझे बस इनडायरेक्ट का एक फॉर्मूला पुट कर देना है यहाँ पर, बड़ा सिंपल सा, इक्वल्स टू इनडायरेक्ट पेप्सी रेफरेंस टैक्स स्पेस इनडायरेक्ट, और मंथ मैंने मंथ लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए यहाँ पर उसकी सेल दिखाई जा रही है पेप्सी की, जनवरी की। पेप्सी की जनवरी की सेल 86 है, आपको यहाँ पर ये 86 हाईलाइट करके दिखा रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी प्रॉब्लम्स बताइए एक्सेल से रिलेटेड, हम उसको जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। थैंक यू।